नमस्कार जी, आपका स्वागत है आज नए ब्लॉग में। आज हम जाने जाएंगे चंडीगढ़ से सिक्किम। अभी फ़िलहाल मैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में जिस टाइम मैं निकला उस टाइम बारिश हो रही थी। ये चंडीगढ़ स्टेशन में पहुंच गया हूं। यहां से अब मैं कुछ हर ट्रेन को पकड़ूंगा, फिर वहाँ वो ट्रेन दिल्ली जाएगी, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में एंटर करते हैं। चलो फिर बताता हूँ आपको। अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी है, ये भी थोड़ी देर में चलने को तैयार है। अभी हमें उचहार पकड़नी है प्लेटफॉर्म 6 से। मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। जैसा देखो चंडीगढ़ में डिब्रूगढ़ और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस खड़ी है। अभी चल पड़े हम चंडीगढ़ फिर से दिल्ली की ओर। पुरानी दिल्ली होगी, फिर पुरानी दिल्ली से मैं तो उतर के वहाँ से मैं चेंज करूँगा और नई दिल्ली से न्यू जलपराई के लिए, सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन पकड़ूँगा, जो रात को 12 बजे के आसपास है, 11:45 का टाइम है उसका। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से गाड़ी चल पड़ी है उचहार एक्सप्रेस। जनरल कोच का सफ़र कर रहा हूँ फिलहाल। अभी तो मैं ये नई दिल्ली के लिए मैं लगाना हो रहा हूँ। ये पुरानी दिल्ली का स्टेशन है, यहाँ पे मेरी गाड़ी है। ये खूबसूरत स्टेशन है, पुराने टाइप का बना हुआ है, पर खूबसूरती का खूब ख्याल रखा गया है यहाँ पे। खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, पुरानी झलक दिखती है लखनऊ की और अपने दिल्ली की लाल किले जैसी इसमें दिखाई गई है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पार्किंग एरिया से मैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी देर पहले अभी बारिश ख़त्म हुई है। अभी मैं दिल्ली के निजी बस पकड़ूँगा, नई दिल्ली रिसेंट पहुँच गया। खूबसूरत स्टेशन है, भी बना हुआ पुराना, पर इसमें कुछ लाइटों से खूबसूरत स्टेशन दिख रहा है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन खूबसूरत लाइटिंग से बहुत रियलिटी में बहुत अच्छा लग रहा था ये स्टेशन। अभी मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म 16 की तरफ से। मेरे को 15 नंबर से गाड़ी मिलेगी, ऊपर चल चुका हूँ। मेरे को फिर दिल्ली से 22:47 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में B1 में मेरा सीट है। हाँ जी, हम पहुँच गए हैं अभी प्रयागराज इलाहाबाद, जिसका पुराना नाम था। अभी मेरे को जाना है सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में बैठा हूँ, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। ये देखिए मेरा कोच B1, इसमें बैठा हूँ। उसके बाद अभी बैठे हैं, रात काफ़ी हो गई थी, मैंने इसलिए रात को वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि 12:45 की ट्रेन थी। उसके बाद सामान सामून रखते हुए 12:12 हो गए थे, इसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया। तो अब सुबह बना रहा हूँ, अभी प्रयागराज पहुँच चुका हूँ। जैसे आपको देख रहा, प्रयागराज स्टेशन का स्टेशन भी पहुँच चुका हूँ। प्रयागराज स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, जिसके पास से 3 नंबर प्लेटफॉर्म के पास से मैं अभी शूट कर रहा हूँ। अभी देखो रेनोवेट हो रहा है ऊपर, देख रहे हो। एक प्रयागराज से गाड़ी निकल रही है, गंगा इलाहाबाद का जहाँ संगम होता है, गंगा जी में यमुना जी के ऊपर संगम। सामने जो आपको नजर आ रही है यमुना गंगा जी का संगम होता है। अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाला हूँ पाटलिपुत्र। ये देखिए पाटलिपुत्र पहुँच रहा हूँ। पाटलिपुत्र में गंगा जी बहुत बड़ा पुल था, ये कम से कम मैंने गाड़ी में चलते हुए 5-7 मिनट लगा, 3-5 किलोमीटर का तो स्टेशन स्टॉप ये पुल था। ये रेलवे कोच है, अंदर का नज़ारा। रेलवे कोच के अंदर हूँ मैं, B1 अंदर आप देख रहे हैं, वाइट लाइट लगी हुई है क्लियर, और ऊपर आपको नज़र आ रहा है। गाइस जैसा कि आपको नज़र आ गया, मैं अभी आ चुका हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी पहुँच चुका हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन 2:30 बजे हैं अभी, और बारिश बड़ी तेज़ हो रही है। जैसे मैं यहाँ उतरा को दिख रहा हूँ, अभी मेरे को ये बारिश में निकलना है, क्योंकि यहीं पे अभी रुकेंगे रात को स्टेशन के बाहर।
स्टेशन के पास ये रूम लिया था। मेरे साथ कोई और भी थे जिन्होंने रूम बुक करवाया था ऑनलाइन। 450 रुपये का एक बेड मिला था एसी सी। अभी वहाँ चलते हैं। अरे मैं सुबह के टाइम में आ रहा हूँ, नज़र आ रहा हूँ रात को। मैं बताऊँ बहुत बारिश थी इसलिए बना नहीं पाया, फिर भी मैं सुबह बता कर अभी बना रहा हूँ वीडियो किस तरह चल रहा था। 2:30 बजे तकरीबन रात को गाड़ी पहुँच चुकी। उसके बाद मेरे पास लगेज भी था और उसके बाद क्या बताएँगे आपको, इतनी परेशानी आई क्योंकि नीचे रूम देख सकते हैं गाइस, जैसा नज़र आ रहा होगा सुबह 7 बजे है। अभी रूम से निकला हूँ, 8 बजे हमारी टैक्सी आएगी, फिर हमें सिक्किम के लिए निकलना होगा क्योंकि हमें वहाँ पे तेमी जाना है, तेमी टी गार्डन में वो दिखाऊंगा। अभी मैं रात को बहुत बारिश हुई, जब भी मैं सिलीगुड़ी आता हूँ यहाँ पे वेलकम बारिश की वजह से होता है, बारिश से होता ही होता है, मैक्सिमम बारिश आती ही रहती है। रात जिस टाइम मैं आया बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं रात को वीडियो नहीं बना पाया। मैंने सुबह वीडियो बनाई है रूम की और आप देखेंगे ऐसे चढ़ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ इतनी तेज़ बारिश थी और मेरे पास लगेज भी काफ़ी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। ये मेरे रूम का गेट है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये ब्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगा भी हम सिलीगुड़ी से सिक्किम कैसे गए, टैक्सी से गए या कैसे गए, वो मैं आपको अलग दिखाऊँगा अलग वीडियो में। बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आप बदल सकते।